हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रानीज किचन। आज एक हम बहुत ही स्पेशल रेसिपी बनाने जा रहे हैं बेसन से, बेसन का लड्डू, जो हर त्योहार वगैरह पे लड्डू बनाया जाता है बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। आप कुछ स्टेप्स को ध्यान दें, बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट हलवाई जैसी दानेदार बेसन के लड्डू बनेंगे। तो आइए देखते हैं उसके लिए क्या क्या चाहिए। ये 300 ग्राम बेसन, ये भी 300 ग्राम शक्कर यानी तगार या बूरा इसको बोलते हैं, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम तगार की और बूरे की रेसिपी जरूर बना के बताएंगे आपको। ये देसी घी, तीनों की क्वांटिटी लगभग एक जैसी ही होनी चाहिए, बेसन शक्कर और देसी घी की। ये पांच छोटे इलायची जिसको हमने कूट लिया है, ये देसी घी। अब हम देसी घी ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा बचा लेते हैं अभी, ये इतना घी रहने दे, बाद में फिर चेक कर लेंगे, चेक करके आप डालें। अब इसमें हम ये बेसन ऐड कर लेते हैं। बेसन इसको लगातार आपको भूनना है गैस पे। अब ध्यान से इसको कंसिस्टेंसी के साथ अच्छे से भूनें, ये नहीं कि आप गैस फुल करके छोड़ दें, लगातार हिलाते हुए इसको भूनना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे और आपका लड्डू सही नहीं बनेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, अपने हलवाई, जो हमारे हलवाई का सीक्रेट, अब ये अच्छे से पानी डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो है लड्डू दानेदार बनता है, बस यूं पानी के पीछे देखिए दानेदार सा बेसन हो गया हमारा। एक मिनट तक और भून लेते हैं अच्छे से। बेसन भून गया हमारा, खुशबू अच्छी आने लगी है। अब गैस को ऑफ कर लेते हैं। हम इस बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने देते हैं, इतना ठंडा होने देते हैं जितने आसानी से हमारे हाथों से लड्डू बन जाए। जरा ये ठंड हो जाए, और गर्म में बिल्कुल भी शक्कर ऐड नहीं करने का है, नहीं तो बेसन गीला हो जाएगा। ये अब हम बेसन को ठंडा कर चुके हैं, हमारा देखिए ये आ गया है बेसन, ठंडा हो गया है। अब इसमें ये जो हम इलायची कूट रखे थे इसको ऐड कर लेते हैं, मिक्स करें अच्छे से। आप चाहें तो इसमें खरबूज का बीज भी ऐड कर सकते हैं या कोई और ड्राई फ्रूट्स। उसके बाद ये शक्कर ऐड कर लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब चम्मच को हटा देते हैं, हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यूं। देखिए कितना हमारा बेसन दानेदार सा बन रहा है, खूब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मिलाते हुए। यूँ चेक कर लेते हैं हमारा लड्डू आसानी से बन रहा है कि नहीं। ये लड्डू हमारा अभी नहीं बन रहा सही से, तो इसमें क्या करते हैं, जो हम घी बचा रखे थे एक चम्मची,
दो चम्मच घी ऐड कर ले रहे हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर ले। आप चेक कर लीजिए लड्डू बन रहा है कि नहीं, उस हिसाब से घी ऐड कर लीजिएगा। अब यूं हम छोटे साइज का पेड़ा उठाएंगे, यूं दोनों हाथों से यूं दबाते हुए, आपको लगेगा कि लड्डू बन नहीं रहा, आप धीरे धीरे ऐसे हल्के हाथों से यूं दबाते रहिए। ये देखिए अब ऐसे ही दबाते हुए ऐसे घुमा लीजिए खूब अच्छे से, थोड़ा सा इसमें एक ऐसे इतना स्मूथ बनाइए कि यूं देखिए ये बन गया है। इसको इसमें रख ले रहे हैं, अब दूसरा बना रहे हैं। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाएं और सारे लड्डू वो हम ऐसी बना लेते हैं। दोस्तों हमने जो है बेसन और शक्कर और घी की क्वांटिटी जो ली थी, तो आप घी हमारा इतना बच गया है, आप जब भी घी मिलाएं तो उसकी क्वांटिटी चेक करके ही मिलाएं। हमारा लड्डू दानेदार एकदम हलवाई स्टाइल में तैयार है। देखिए इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई करें और ये कैसी लगी हमको बताएं। फिर एक और सिंपल हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ मिलते हैं। थैंक यू।